सिख आगू भाई महावीर सिंह जी सुल्तान विंड साढ़े नाल ने फतेह करदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महावीर जी अज जिथे केंद्र की भाजपा सरकार वालों सरबत खालसा नूं चुने हुए जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा जी दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने होस्पिटल दे विच रख्या गया सीगा ते असीं उन्हां वास्ते अरदासां कीतियां आ ते अज दे हालात जिहड़े बणे आ उन्हां संबंधी आप जी जानकारी दिओगे कि उन्हां दे हवारा जी दे जेल दे विच की हालात ने ते साडी सरकार कोलों की मंग। अज ते सब तों पहलां असीं पिंड चगावां नज़दीक कथू नंगल विखे अज इत्थे हाज़र होए हाँ। अज सिंह साहब जथेदार जगतार सिंह हवारा जो कि सरबत खालसा वालों जथेदार थापे गए आ उन्हां दी जो सेहत जाबी वास्ते अज प्रगट सिंह चगावा होना वालों स्वरणजीत सिंह करालिया होना वालों इत्थे जो अज अरदास दा प्रोग्राम लिखा गया सी उस दे विच हाजिर होने लई पंजां प्यारिआं समेत भाई सतनाम सिंह झंझियां भाई सतनाम सिंह जी खंडा हवारा कमेटी के मुख बुलारे प्रोफेसर बलजिंदर सिंह जी भाई सुखराज सिंह जी वेरका ते होर ही इलाके दीआं पिंडां दीआं संगतां जिहड़ियां वा इत्थे अरदास विच पहुंचियां वा ते उन्हां वास्ते अरदास कीती गई आ सच्चे पातशाह गुरु कृपा करे उन्हां दी सेहत जाबी होवे क्योंकि उन्हां दी सेहत कुछ लगातार ढिल्ली आ रही सी। उन्हां दे जिहड़े सैल आ ओह बहुत सारे घट गए सन 39,000 जिहड़े आ उन्हां दे सैल रह गए सन। हुण जिहड़ी कल शाम दी रिपोर्ट सी पी ओह 65,000 दे करीब उन्हां दे सैल हो गए आ क्योंकि गुरु पातशाह हरगोबिंद साहब के चरणों में श्री अकाल तख्त साहब विखे अरदासा कीतियां गईयां वा पंजां सिंघां वल्लों संगतां वल्लों कि उन्हां दी जथेदार साहब की जिहड़ी सेहत जाबी होवे उन्हां नूं महाराज तंदुरुस्ती बख्शे उन्हां दीआं रिहाइयां बख्शन सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह क्योंकि जदों अरदास हुई उस तों बाद शाम नूं ही रिपोर्ट आ गई आ कि 65,000 के करीब जथेदार साहब के सैल जिहड़े आ हो गए आ। इन्हां ने जिथे गल कीती आ कि सिख संगतां ने गुरु साहबान के अगे अरदास की है तो उन्होंने शाम की रिपोर्ट के बाद सैले जोड़े आध गया बहुत ही शलाघायोग आ। कि सो महावीर सिंह जी नाल अज एक होर मैं गल करनी चाहता हाँ कि जेडे तीन काले कानून भारत की सरकार ने वापस ले आ उन्होंने संबंधी आप जी की कहना चाहोगे। जेडे तीन काले कानून की आ जो किसानी मोर्चा दिल्ली विजय लंबे समय तो लगा सी एक साल तो क्योंकि कालिया तो बोलियां जड़ियाँ सरकार वा उन्होंने जेडे कानून जोड़े आ ये ठोस रही लोगों के उत्ते जोड़ा के इन्होंने देश वेच दिता वा क्योंकि सब इन कंपनियां लै आंदियां वा ये काले कानून बना रहे आ। ये बहुत मेरे ख्याल है भी उदों भी जो अंग्रेज आए सी इस तरह होया सी एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी उस तो बाद जिहड़े सी वो सहज सहज जिहड़े टोटे हो जांदे देश दे ये देश दे टोटे होने के किनारे जिहड़े आ ये पहुँच चुका वा क्योंकि इन्होंने काले जिहड़े कानून आ वो लोगों के उत्ते घड़े जा रहे आ। पर किसानी अंदोलन जिहड़ा वा सारे ही साडे वीरां ने किसान यूनियन के आगूआं ने सारे ही इलाका निवासियां पंजाब भारत के वासियां ने सारिया स्टेटां ने हरियाणे ने सारिया रल के एडा वड्डा संघर्ष किया कि इन्हां नूं दस दिता भारत सरकार दीआं गोडनियां लवा दित्तियां जो नरेंद्र मोदी बड़े लंबे समय तो यह गल कहिंदे आ रहा सी कि भाजपा के बंदे भी जो जिहड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जो फैसला लै लैंदा उह कदी वापस नहीं लिया। इस यही गल हुई है जी हुण भी एक राज सभा एक लोक सभा आ राष्ट्रपति आ जिहड़ा नरेंद्र मोदी ने फैसला लै लिया उही सारे ने लागू किया इहते की कहोगे। मेरी वेखो जी जिहड़ा गल आ जदों फैसला वापस ले लिया वा उन्हां चिर साडे किसान उत्थों जिहड़े मोर्चे तो नहीं उठने उन्हां दे हत्थ कोई कापी आऊगी कुछ उन्हां नूं कागज़ देणगे असीं वापस कर ले मूँह जबानी नहीं हुण राष्ट्रपति की मोहर लगनी आ राष्ट्रपति की मोहर लग गई उन्हां नूं मिल गया। बाकी भी जिहड़ियां काफ़ी अहम मंगां वा जिहड़ियां कि किसानां दे उत्ते परचे दर्ज होए आ काफ़ी जिहड़ियां मंगां वा उन्हां दीआं उत्थे जिहड़े 700 किसान जिहड़ा शहीद हो चुक्या वा उन्हां दे मुआवजिआं दी गल आ उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां दी गल आ काफ़ी जिहड़े मसले आ एम एस पी का जिहड़ा वा वह सारे लागू करनी आ। ये जिहड़ियां मंगां जिन्ना चिर केंद्र सरकार नहीं मनदी उन्ना चिर साडे किसान जिहड़े आ उन्ना चिर उत्थे उठणे नहीं आ जिन्ना चिर ये जिहड़ा हिसाब किताब नहीं देंदे क्योंकि असीं अपने भरावां दे उत्ते जिहड़े आ उत्थे जिहड़े परचे पाते आ ये थोड़ा भी वह कचहरियां दे विच भुगतदे रहिण ते बाकी जिहड़े आगू आण के घर बह जाण इस करके ये जिन्ना चिर केंद्र सरकार सारे फैसले दे एक मत नहीं हुंदे सारे साडे आगू एक मत आ जिन्ना चिर केंद्र सरकार ये फैसला नहीं मानती उन्ना चिर कदाचित भी ये जिहड़ा फैसला नहीं होएगा क्योंकि चोणां 2022 दियां बहुत नेड़े आ गईयां इस करके इन्हां नूं ये फैसला लेना पैणा वा।
ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਚ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।